ये जो अनसंग हीरो को लेके जो थिएटर बनाया है रिकन गोमले जी का नेतृत्व में, इसको हम खूब धूमधाम से मनाएंगे। और हम ये जो हमारा स्टेटहुड डे में हम एक फेस्टिवल का रूप में हम धूमधाम से मनाएंगे और उसको शो हम करेंगे। पूरा अरुणाचल वासी देखेगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट वासी देखेगा और एक 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 सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म, हाँ, एक देशवासी है हम, भारतीय है, उसका एक गौरव उठाएंगे हम जरूर। और इस नाटक के जरिए जितना भी थिएटर प्ले होते हैं, हम किसी भी ट्राइब्स के उसके कल्चर को देखने को मिलता है, खान पान, रहन सहन, वो किस तरह से रहते हैं, वो सब जानने को मिलता है। तो इस पर आप कितना बिलीव करते हैं सर? ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश सबसे डाइवर्स स्टेट है, इतना डाइवर्सिटी है। जैसा मैंने हमेशा कहता है कि मैं कहता हूँ कि हमारा जितना बायोडाइवर्सिटी है उसी तरह हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी भी है। इतना सुंदरता है हमारा डाइवर्सिटी, उस डाइवर्सिटी को आप थिएटर रूप में हो या आर्टिस्ट का जरिए से ये डिपिक्ट कर पा रहा है, यही हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। और मैं आप लोगों को भी श्रेय दूंगा, आपको भी श्रेय दूंगा, रिकन गोमले जी को, जितना भी यहाँ में जो आर्टिस्ट है सबको मैं इसके लिए मैं श्रेय दूंगा। ये अरुणाचल के लिए बहुत बड़ा बात है, बहुत गौरव का बात है, सरकार के लिए, हमारा अरुणाचल वासियों के लिए, देशवासियों के लिए। हमारा जो हमारा इतिहास को हम अभी हमारा जो नेशनल करिकुलम में जाना जाएगा अभी अरुणाचल के बारे में, अरुणाचल किस तरह हमारा भारतीय इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, हाँ, जो साधना के लिए सेक्रीफाइस किया है अरुणाचलवासी, उसको जानकारी होगा अभी। और ये हमारा हिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है अरुणाचल, जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो यंग जो रिसर्च स्कॉलर्स है, उनका मेहनत का कारण से ये हो पा रहा है। और पूरा भारतवासी वासियों को ये मालूम हो जाएगा कि ये अनसंग हीरो अरुणाचल का कौन कौन है, किस तरह का है और उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए क्या क्या है, ये हमारे लिए बहुत गौरव है। और आज जो थिएटर एक महीना से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये थिएटर को इतना अच्छा रूप दिया है, एक एक डम्बुक जैसा छोटी सी जगह में, जहाँ यहाँ में फैसिलिटीज़ कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, इतना कष्ट करके हर, ये एक सेक्रीफाइस है वास्तविकता में, ये एक सेक्रीफाइस है सभी आर्टिस्ट का। तो यही एक खूबियत है हमारा अरुणाचल का जो यंग टैलेंट्स को लेके। और यहाँ का मैं लोकल MLA मैडम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, DC मैडम को भी धन्यवाद देना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना सुंदर से उनको यहाँ एक फैसिलिटी दे के उनको एक अच्छा एक नाटक निकला है आज। ये पहला है हमारा अनसंग हीरो का, ये पहला नाटक है। तो अभी द्वितीय में हमारा जो खमती लोगों का जो नाटक है वो आएगा, उसका बाद लास्ट में हमारा वंचू लोगों का आएगा। तो इसलिए एक सामूहिक रूप से जो हमारा जो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी अरुणाचल का एक उभर के आएगा जरूर। ये सर अरुणाचल में पहली बार होने जा रहा है अनसंग हीरोज़ के ऊपर थिएटर प्ले, तो इसका जो आइडिया आपको कैसे लगा, कि मतलब कैसे सोचा आपने कि अनसंग हीरोज़ के ऊपर नाटक करवाना चाहिए? देखिए, ये ऐसा था कि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव काल में मैंने देखा कि आज़ादी, अगर आज़ादी बोला जाए तो आज़ादी का जो कंबाइंड जो एफर्ट्स है हमारा सिपाही म्यूटिनी से शुरू हुआ है जी। लेकिन हम हमारा हिस्ट्री देखा जाए तो हमारा जो हिस्ट्री है छुटपुट हिस्ट्री है, कहीं कुछ ब्रिटिश लोगों ने
कुछ लिखा है, अंग्रेजियों का लेखक ने कुछ लिखा है, या कोई मिशनरी आया है कुछ लिखा है, इस तरह का जो जो हमारा जो हिस्ट्री लिखा हुआ है, लेकिन उनको पूरी तरह से लिखा नहीं गया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि देखिए हमारा जो सिपॉय मिलिट्री का पहले ही अरुणाचल प्रदेश में जैसे एंग्लो अबोर वॉर, द मोस्ट फेमस एंग्लो अबोर वॉर हो चुका है यहाँ में, अंग्रेजों का साथ यह जो युद्ध हो चुका है, अंग्रेजों को मार दिया है उन्होंने, तो अंग्रेजों के लिए जो मातमूर जामो तो एक 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 कैदी है, एक कल्प्रित है, हाँ, तो लेकिन हमारे लिए उनके लिए तो एक खलनायक है, लेकिन हमारे लिए तो हीरो है ना मातमूर जामो। तो यह हीरो का जो हम दरवाज़ा जा आज हम लोग दे रहे हैं अरुणाचल वासी, मातमूर जामो जैसे है, या हमारा जो आपका चौफा पलांगलू जो बोलता है, रनुआ गोहाई, इस तरह का जितना भी है हीरोज हो, मार्टियर्स हो, जिन्होंने जीवन आहुति दिया, उनको हम जानकारी देने के लिए ये हमारा जो कोशिश है आज कोशिश सफल हो रहा है। इस समय बहुत गौरव महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में भी इतना टैलेंट देखने को मिल रहा है, इतना प्रतिभा है अरुणाचल प्रदेश में, हालांकि हम लेट स्टार्टर है, अलग प्रदेश का साथ हम कम्पीट करें तो हम लोग लेट स्टार्टर है, लेट स्टार्टर होते हुए भी इतना प्रतिभा अरुणाचल में आया है, खेलकूद में हो, थिएटर में हो, या नाटक में हो, या आपका सॉन्ग्स एंड ड्रामा में बोलो, इतना प्रतिभा है अरुणाचल प्रदेश में। अभी अभी जो हम जो अबोर जो एंग्लो अबोर वार का ऊपर आप लोगों ने जो थिएटर जो रिकन गमले जी का नेतृत्व में जो बनाया है, ये इतना खूबसूरत बनाया है, और सब लोकल आर्टिस्ट अनट्रेंड है, कोई भी एक ट्रेंड नहीं है, उसको तुरंत उसको ट्रेन करके एक महीना में डेढ़ महीना में ट्रेन करके इतना उनका प्रतिभा उभर के लाया है। तो मैं तो रिकन गमले जी को और सारे उनका जितना भी टीम है उनको मैं बधाई देना चाहूँगा, और हम जितना भी अनसंग हीरो का जो टीम है, हाँ, हमें बहुत गौरव हो रहा है ये बात को लेके कि हमारा जितना भी अनसंग हीरो है अरुणाचल प्रदेश का, ये अनसंग हीरो का जो जो नाम है वो ऑलरेडी नेशनल लेवल में अपलोड हो चुका है, और उनको भी अनसंग हीरो का और मार्टियर्स का दरवाज़ा दिया जाएगा, इस बात को लेके हमें बहुत गौरव है, खुशी है। ये जो लोग हैं जो जिसका बारे में हम लोग आज थिएटर बनाया है, ये हमारा देश के लिए, हमारा आज़ादी के लिए जीवन आहुति दिया है, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव है, हम उनको सैल्यूट करता है आज का दिन में। और ये जो आज थिएटर है, लेकिन गमले जी ने बोला है कि ये शुरुआत है, अभी तो इसको तो बहुत और थोड़ा सा पॉलिश करके बनाया जाएगा, तो आने वाले समय में जब फाइनल जब डिपिक होगा, तीनों जो जो थिएटर है, जो एंग्लो अबोर वार हो, या खामती वार हो, या जो नैनू मैसाकर हो, जो वंशु लोगों का जो वार है ब्रिटिश का साथ, ये तीनों थिएटर हम लोग खूब धूमधाम से फेस्टिवल का रूप से हम ईटानगर में मनाएंगे। हमारा जो इतिहास है, इतिहास हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो इतिहास है, लोगों को पता नहीं है, अभी हमारा समय आया है कि हम इतिहास को लोगों को बताएं, लिखित रूप से बताएं। तो इस लिखित रूप में हमारा जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का जितना भी रिसर्च स्कॉलर है, उन्होंने जोरदार काम कर रहा है, अभी बहुत सा जो डॉक्यूमेंट्स है कलेक्ट कर चुका है, आर्काइव से, लाइब्रेरी से, म्यूजियम से, अभी फिर हमारा जो 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 रिसर्च स्कॉलर है वो लंदन जाएगा, लंदन से भी अभी जितना भी डॉक्यूमेंट्स है लेके आएगा, एक किताब रूप से ये जो है हिस्ट्री हमको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो हम औरों का हिस्ट्री पढ़ा है, औरों का इतिहास पढ़ा है, अपना इतिहास तो हम कभी जानकारी नहीं ले, अभी अपना हिस्ट्री को भी जानकारी होगा, अपना हिस्ट्री भी लोगों को हम बताएंगे, पूरा भारतवासी को अरुणाचल हिस्ट्री के बारे में मालूम होगा। थैंक यू सर। थैंक यू।